हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ अभी जो चेंजेस हुए गेम में उस बारे में बात करने वाले हैं, और फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो पूरी देखना। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, चलते हैं, सीधे शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि टॉपअप रिवॉर्ड के बारे में। यार, मैंने शायद लास्ट वीडियो में ही बोला था कि गरीना इंडियन सर्वर में कुछ अच्छा टॉपअप रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, बट फाइनली उन्होंने हमें कुछ नया टॉपअप रिवॉर्ड दे दिया और जिसमें हमें ब्लूप्रिंट मिल रहा है। यार, बड़ी अच्छी बात है। और जो बैग की स्किन और हमें लूट बॉक्स भी मिल रहा है, तो ये हमारे इंक्यूबेटर वाली थीम पे बेस्ड है, तो बहुत अमेजिंग है यार। ये जो बैग है वो भी बहुत ऑसम है, और सबसे मेन थिंग तो ब्लूप्रिंट, यार ब्लूप्रिंट मिल रहा है। तो जो टॉपअप करने का सोच रहे थे उनके लिए बेस्ट टाइम है अभी टॉपअप करने का। यार, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल रहा है, ब्लूप्रिंट और इवोल्यूशन स्टोन तो ढेर सारे होंगे आपके पास, तो आप एक बंडल ले सकते हो। यार, मतलब टॉपअप भी करो, साथ में एक बंडल फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यार ये। तो नेक्स्ट दिन की बात करें तो फैंटम P90 आ गई है वेपन रॉयल में। तो यार, बड़ी सेक्सी लग रही है ये, बड़ी ऑसम लग रही है ये। मुझे बहुत अच्छी लगी है P90 की स्किन, यार बहुत अच्छी लगी है। और मैं करूँगा कुछ स्पिन इसके लिए, देखते हैं लक साथ देता है या नहीं देता है। वैसे कभी भी वेपन रॉयल में मेरा लक साथ नहीं दिया है, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट लेट्स सी ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये रहेगा इसे टॉपअप रिवॉर्ड। तो आप एक डायमंड का टॉपअप करोगे तो आपको बैकपैक मिल जाएगा, आप 150 डायमंड का टॉपअप करोगे तो आपको जो लूट बॉक्स है वो मिल जाएगा, और 500 डायमंड के टॉपअप पे आपको मिल रहा है ब्लूप्रिंट इनक्यूबेटर का। तो यार, बहुत अच्छा ही है। तो इवोल्यूशन स्टोन को तो सबके पास से, तो यार एक ब्लूप्रिंट के साथ ही आपको ये बंडल मिल रहा है ब्लैक वाला। मेल बंडल बहुत अच्छा है फीमेल बंडल के मुकाबले, मुझे मेल बंडल ज़्यादा अच्छा लगा। फीमेल बंडल भी शायद अच्छा दिखता, बट यार ये मोको करेक्टर है, मोको करेक्टर खड़े होने का तरीका ही अच्छा नहीं है, तो उस वजह से फीमेल बंडल ढंग से दिख भी नहीं पा रहा है और इसी वजह से अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो गाइस, अब हम बात करने वाले कि आगे अपने गेम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर डायमंड रॉयल की। तो गाइस, फ्यूचर डायमंड रॉयल में हमें वैम्पायर का सेट देखने को मिल सकता है। पहले ये था कि ये मैजिक शॉप या मिस्ट्री शॉप में आएगा, बट नहीं, अभी चेंज हो गया, अब शायद ये हमें डायमंड रॉयल में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, यार ये बंडल बड़ा अमेजिंग है, ये बैट्स निकल रहे हैं उसके हाथ में से, और यार जो आने का एनिमेशन है कि बैट्स के साथ उड़ते हुए आ रहा है, ऑसम। अगर ये बंडल डायमंड रॉयल में आता है तो इट्स वर्थ वेस्टिंग योर डायमंड। और यही नहीं, जो फीमेल बंडल है हमें वो भी डायमंड रॉयल में देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो कपल का बंडल है, दोनों के दोनों डायमंड रॉयल में आएंगे। कुछ दिन तक मेल बंडल रहेगा, फिर उसके बाद फीमेल बंडल आ जाएगा, जैसे अभी ईगल वाला बंडल हुआ है, पहले मेल था फीमेल आ गया। तो सेम ऐसा ही है कि पहले मेल आएगा फिर फीमेल आ जाएगा, और उसी के साथ साथ जो टॉपअप रिवॉर्ड है वो भी चेंज होगा। टॉपअप रिवॉर्ड में हमें जो वैम्पायर थीम है उसका लूट बॉक्स, उसका सर्फ बोर्ड और उसका बैकपैक ये देखने को मिल सकता है हमें। तो ये है उसका लूट बॉक्स, बड़ा ऑसम है यार, पूरा बैट्स निकल रहे हैं, ग्राफिक्स बड़ा ऑसम है। और सेम यही सर्फ बोर्ड में भी है, सर्फ बोर्ड में भी पूरा बैट्स निकल रहे हैं, कलर थीम एकदम डार्क एंड पंची है। तो यार अच्छे कलर्स और अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है यार इस बंडल में करीना ने। बहुत सारे बंदे पहले कंप्लेन करते थे कि ये क्या बंडल दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बट फाइनली उन सब की बात सुनी करीना ने और ध्यान दिया। और ये हमारा बैकपैक, ये भी बैट है, पूरा बैट की थीम पर है, वैम्पायर, वैसे ऑब्वियसली वैम्पायर बैट एक ही बात है यार। तो अगर हम अब बात करें तो गाइस हेलोवीन अपडेट के बारे में, तो हेलोवीन अपडेट में भी एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है ज़्यादा हमें पता चली नहीं है, बट यार लॉबी का एक लुक मिल चुका है कि लॉबी कैसी दिखने वाली है, जो हमारी स्टार्टिंग लॉबी है। तो गाइस, ये है स्टार्टिंग लॉबी, ऐसी कुछ दिखने वाली है। तो यार पीछे देख सकते हो आप, पंपकिन वगैरह है, पूरा गोस्ट वाला पूरा फीलिंग आ रहा है, हेलोवीन वैसे भी भूतों का त्यौहार टाइप ही है समथिंग। तो यार पूरा भूतिया माहौल बना के रखा है, और उसी भूतिया माहौल में हमें वैम्पायर वाला ड्रेस मिल रहा है, तो बड़ा ऑसम है यार। मतलब यार हेलोवीन अपडेट भी बड़ा शानदार आने वाला है इस गेम में। और भी हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी हेलोवीन अपडेट में, वो भी धीरे धीरे हमें पता चलती जाएगी। क्या पता हमें कुछ फ्री में वापस से मिलने लग जाए, जैसे अभी सेकेंड एनिवर्सरी के टाइम पे इतने सारे बंडल और रिमोट फ्री में दे दिए हैं, तो क्या पता हेलोवीन अपडेट में भी हमें कुछ एक्साइटिंग सा फ्री में मिल जाए। एंड गाइस, जो क्लैश स्क्वाड मोड था वो चला गया था गेम में, तो यार वो फाइनली वापस आने वाला है कुछ टाइम बाद में, तो कमिंग सून दिखा रहे हैं, बट कब आ रहा है एग्जैक्टली वो नहीं पता। बट हाँ, क्लैश स्क्वाड अगर आपको पसंद है और आप उसे और खेलना चाहते हैं तो यार रेडी हो जाइए, वो वापस आने वाला है।
सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने टॉप अप करा या नहीं करा। सो गाइस बाय बाय। Cooking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.